जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर योजना इन दिनों बेहद चर्चाओं में है। विपक्ष ने अग्निवीर योजना को खत्म किए जाने का मुद्दा उठाया हुआ है। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां ने भी अग्निवीर योजना को वापस लिए जाने की मांग की है। उधर यूपी के आगरा में एयरफोर्स स्टेशन में अपनी जान देने वाले अग्निवीर श्रीकांत चौधरी के भाई ने भी घटना को लेकर कहा है कि श्रीकांत ऐसा नहीं कर सकता है, उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। तो वहीं इन सब के अलावा अब एक और नया मामला सामने आया है। एक अग्निवीर के गायब होने का बड़ा मामला सामने आया है। अग्निवीर करीब 1.5-2 महीने से गायब है और उसके परिजन उसका पता लगाने के लिए इधर उधर कई विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, मामला छत्तीसगढ़ का है। यहाँ मुंगेली जिले का एक अग्निवीर बीते 2 महीने से लापता है। अग्निवीर राकेश कुमार साल 2023 में अग्निवीर भर्ती में चयनित हुआ था और महाराष्ट्र के नासिक में उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी और इसके बाद फिर उसे जयपुर में पोस्टिंग भी मिली थी। ये जानकारी अभी तक सामने आ रही है। बताया यह भी जा रहा है कि अग्निवीर राकेश होली की छुट्टियों में अपने गांव घर आया था और उसके बाद वो परिजनों से लगातार फोन से संपर्क में था, आपस में बातचीत हो रही थी, लेकिन करीब 2 महीने पहले से उसके परिजनों का उससे संपर्क टूट गया, यानी उससे फोन पर बात नहीं हो पा रही है, उसका फोन बंद आ रहा है। जिस पर परिजनों ने जब सेना के अधिकारियों से इस बारे में बात की कि बच्चे से बात नहीं हो पा रही, उसका फोन बंद आ रहा है, तो उन अधिकारियों ने कहा कि अग्निवीर राकेश कैंप की दीवार कूदकर कैंप छोड़कर भाग गया है, अभी उसका पता नहीं चल पाया वो कहाँ है। इसके बाद परिजनों ने मुंगेली एसपी गिरिजा शंकर जायसवाल से भी मुलाकात कर उन्हें इस घटना के बारे में सब कुछ बताया, जिस पर एसपी ने मामले में जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, अग्निवीर राकेश का यूं गायब हो जाना, लापता हो जाना जहां एक और परिवार के लिए लगातार चिंता बढ़ा रहा है, तो वहीं कई और सवाल भी खड़े कर रहा है। देखिए, सवाल यह है कि अग्निवीर 2 महीने से लापता है, अभी तक उसका पता क्यों नहीं चल पाया कि आखिर वो है कहां? क्या कहीं उसके साथ में कुछ गलत तो नहीं हुआ? क्या अग्निवीर के गायब होने पर सेना के अधिकारियों ने उसके परिवार को अपनी तरफ से चला करके फोन करके यह बताया था कि उनका बेटा गायब हो गया है? या फिर जिस तरह की बातें मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं कि अग्निवीर के परिजनों ने जब सेना के अधिकारियों से संपर्क किया तब उनके परिजनों को यह बताया गया कि उनका बेटा कैंप छोड़कर भाग गया है। 2 महीने का समय देखिए कम नहीं होता है। एक अग्निवीर सेना से गायब है और उसका अभी तक भी कोई अता पता नहीं चला है, तो सवाल यह है कि क्या इसको लेकर सेना की ओर से पूर्व में ही पुलिस को सूचना दे दी गई थी? क्योंकि चलो मान लेते हैं कि देखिए भागने वाले को तो कोई भी पकड़कर नहीं रख सकते, लेकिन इसके बारे में उसी समय घटना के 1-2 दिन बाद ही क्या पुलिस को और उसके परिवार को सेना ने इसके बारे में जानकारी दी थी या नहीं दी थी? देखिए, अभी इस मामले में वैसे किसी को भी गलत या सही कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अग्निवीर के मिलने के बाद ही इसको लेकर पूरी जानकारी सामने आ सकेगी, आखिरकार अग्निवीर ने ऐसा क्यों किया, राकेश आखिर कैंप छोड़कर क्यों भाग गया। देखिए, अगर आप भी एक अग्निवीर हैं या आप सेना के जवान हैं, परमानेंट सैनिक हैं, तो आप ऐसा कोई भी काम बिल्कुल भी ना करें जिससे कि आपके परिवार को किसी तरह की कोई परेशानी उठानी पड़े। हम ऐसी आशा करते हैं कि अग्निवीर राकेश कुमार का जल्द पता चल जाए ताकि जो परिजन उनके परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी कम हो सके और फिर इस मामले के बारे में भी पूरी जानकारी सामने आ सके कि आखिर अग्निवीर राकेश कुमार सेना का कैंप छोड़कर क्यों भाग गया, क्या उसके साथ में कुछ गलत हुआ था। जो भी बात है वो तभी सामने आ सकेगी जब अग्निवीर राकेश कुमार का पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।